मुरादाबाद जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति व वारंट की गिरफ्तारी वाले कानून को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर शिवसेना द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वह ज्ञापन जिला अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में शिवसैनिक जिलाधिकारी मुख्यालय पर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मेन उद्देश्य बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति व वारंट की गिरफ्तारी वाले कानून को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर था। वहीं जानकारी देते हुए जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल त्रेहा ने बताया कि जो नया काला कानून बना है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति व वारंट की गिरफ्तारी का नया काला कानून वापस लेने को लेकर जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इससे आम आदमी का ज्यादा उत्पीड़न होगा। इस कानून से आम आदमी में भय की स्थिति उत्पन्न होगी। इस काले कानून को वापस लेने के लिए हमने प्रदर्शन के माध्यम से एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा है। डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा जी, प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद, किस संबंध आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिवसैनिक जिलाधिकारी मैं उदयपुर, जो आज नया कानून बना है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं वारंट के गिरफ्तारी का नया काला कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। या तो कि इस कानून से आम आदमी का ज़्यादा उत्पीड़न होगा, जिससे कि समाज में भय व्याप्त होगा। इसीलिए शिवसैनिक आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में काला कानून वापस करने की मांग करते हैं। इस संबंध में किसको ज्ञापन दिया जाएगा? आज जिलाधिकारी को देंगे, उनके संबंध में जो भी अधिकारी होगा उनकी अनुपस्थिति में उनसे ज्ञापन करेंगे।